तो ये कॉलोन स्टेशन से हम जो है आज जाने वाले हैं मेनलाइन चाइना, जो कि हाई स्पीड रेल से, और आपको बताएंगे कि कैसे जाते हैं, कितनी देर में जाते हैं और कितना टिकट है वगैरह वगैरह। तो मैं हूं अभी कॉलोन स्टेशन पे हांगकांग में, फिर यहां से हम जाएंगे मेनलैंड चाइना। तो यहां पे है हाई स्पीड रेल जो कि जाती है मेनलैंड चाइना, और यहां से आपको जाना है, आइए चलते हैं। यहां का स्टेशन जो है कॉलोन स्टेशन कुछ इस तरीके से है, जूनियर सामने है और ये देखिए खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ से काफ़ी लोग आ रहे हैं और मेनलैंड जाने के लिए यहाँ पे मार्किंग है पूरा, आसानी से आप जा सकते हो, हाई स्पीड रेल लिखा हुआ है। तो ऊपर जाने का रास्ता, आप इसका टिकट काउंटर से भी ले सकते हो और जो है वी चैट पे भी अवेलेबल है, अगर आपके पास वी चैट है और अली पे है तो उससे भी आप खरीद सकते हो टिकट। एक छोटा एयरपोर्ट की तरह बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है हाई स्पीड रेल, तो कोई मुश्किल नहीं होगी आपको, आसानी से आप जो है देख के जा सकते हो। यहाँ पर भी देखिए हाई स्पीड रेल लिखा हुआ है वला फला, और आपको जो है यहाँ पे ये स्टेशन कुछ इस तरीके से है, और शॉपिंग का भी यहाँ पे पूरा, यहाँ पे जो है शॉप्स भी है और लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं, और यहाँ से आप जो है ये देखिए, ये है कॉलोन का स्टेशन जो कि कनेक्ट करता है मेनलैंड चाइना को। यहाँ से आप हाई स्पीड रेल लेके आप जा सकते हो मेनलैंड चाइना, और अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। मैंने सुना है कि 15 से 20 मिनट में मेनलैंड चाइना आप जा सकते हो। यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं, यहाँ पे गुच्ची है, माउंट ब्लैंक है, सनग्लास हट है, ये देखिए एक छोटा मतलब खूबसूरत एयरपोर्ट की तरह बना के रखा है इन्होंने, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे बता रहा है डायरेक्शन के भाई आपको सीधा जाना है हाई स्पीड रेल के लिए और मेनलैंड कोच के लॉकर्स भी है यहाँ पे, आप कुछ सामान वामान रखना है तो रख भी सकती है। बहुत ही खूबसूरत बना दिया है इन्होंने, ये देखो भाई। और यहाँ पे जो है रेस्टोरेंट, खाने पीने का, ख़रीदने का, जैसा कि एयरपोर्ट की तरह आई है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे ज्वेलरी भी है, ज्वेलरी भी ले सकते हैं आप। और जूनियर यहाँ पे है सामने, जूनियर के कज़न भी साथ हैं। और मेरे राइट साइड में है स्वारोस्की, जो कि भाई बहुत ही जो है इसके नेकलेस ये वो बालियाँ बहुत ही जो है मशहूर होते हैं। तो मैं भी यहाँ पे अभी फ़र्स्ट टाइम आया हूँ और फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ यहाँ से कॉलोन स्टेशन से जो है मेनलैंड चाइना। और ये स्टेशन जो है ऑस्टिन स्टेशन को भी कनेक्ट करता है, ये कॉलोन का अंदर ही अंदर इस तरीके से है। यहाँ पे ये देखो भाई आइस स्केटिंग, आइस स्केटिंग भी बच्चे सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। HSBC बैंक भी है यहाँ पे, वंडरफुल, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। आप फैमिली के साथ हो तो आप आराम से मेनलैंड चाइना यहाँ से फास्ट जा सकते हो। यहाँ पे मार्किंग पूरी है, तो ये है लोकल ऑस्टिन, और ये जो रास्ता जा रहा है भाई खुल जा सिम सिम, ये देखो हवा चल रही है, जूनियर मज़ा लेते हुए, ओहो बहुत तेज़ हवा चल रही है क्योंकि टाइफून आने वाला है। टाइफून आ रहा है बहुत तेज़, और यहाँ पे खूबसूरत हांगकांग
भी आप देख सकते हो यहाँ से। ये देखो, कल हम वहाँ पे गए थे, पीक पे गए थे रात में, तो ये खूबसूरत। यहाँ आई एम कमिंग। यहाँ पे भी देखो भाई, डिपार्चर का मार्क है, डिपार्चर। वाओ, क्योंकि हांगकांग जो है इट्स बिलोंग्स टू चाइना, तो यहाँ पे क्या है अभी भी, इसको कहते हैं स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, वन कंट्री टू सिस्टम यहाँ पे है। तो आप मेनलैंड चाइना से अगर आप हांगकांग आ रहे हो तो आपको इमिग्रेशन करना पड़ता है, और आप हांगकांग से आप चाइना जा रहे हैं तो उसके लिए भी इमिग्रेशन करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे जो प्रोसीजर है कैसा है वो हम देखेंगे, कि इमिग्रेशन यहाँ पे एक ही जगह होता है दोनों का, या वहाँ पे मेनलैंड जाने के बाद भी होता है, तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे डिपार्चर टिकटिंग कॉन्कोर्स मीटिंग पॉइंट, बाय बाय हांगकांग। अभी हम हांगकांग को बाय बाय कर रहे हैं। ये जो है अंडरग्राउंड में जा रहे हैं हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए। आई भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम। आई एम गोइंग फ्रॉम कावलून टू मेनलैंड चाइना बाय हाई स्पीड रेल। ये है B1 लेवल में, यहाँ पे जो है B1 लेवल में। टिकट लेने का कुछ इस तरीके से है, यहाँ से आप गुआंगझो भी जा सकते हो, चाइना के जो है कुछ मेट्रो सिटीज़ में आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हो हांगकांग से। यहाँ पे लिखा है शामन भी है, छांगशान, चौचिंगदो, काफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त हो गया ये। तो जो लोग यहाँ पे घूमने आते हैं फैमिली के साथ में, तो वो आराम से यहाँ से मेनलैंड चाइना आराम से जा सकते हैं बिना झिझक के। और यहाँ का कुछ नज़ारा इस तरीके से है, आपको सेम जो है इमिग्रेशन यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा। अभी हम भी देखेंगे टिकट विकेट का कैसा है। तो ये देखो भाई, काफ़ी लोग जो है चाइना से हांगकांग आ रहे हैं और काफ़ी लोग जा रहे हैं यहाँ से, और ये छोटा मोटा एयरपोर्ट की तरह है। ये देखो कितना खूबसूरत बनाया इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे जो है डिपार्चर है, अराइवल्स है, और आई थिंक ये लोग जो है डिपार्चर के लिए नीचे वाले बैठे हैं, ये पूरा जो है डिपार्चर के लिए। काफ़ी बड़ा है, बहुत अच्छा है, काफ़ी लोग जो है टूरिस्ट घूमने के लिए काफ़ी लोग आ रहे हैं। ये देखो झंडा लेके लीडर के पीछे पूरे टूरिस्ट वाले पूरे फॉलो कर रहे हैं, ये दूसरे दूसरे स्टेट से आए हैं चाइना के। सेल्फ सर्विस से आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तो एक टिकट जो है 68 चाइनीज युआन का है, जो कि होते हैं 75 हांगकांग डॉलर, यहाँ से कौलून से आप जाने के लिए। और ये दोनों देखो भाई, ये जो है बस मौज कर रहे हैं दोनों। तो आपको लेना है 68 RMB, हमने ऑनलाइन लिया है, जो कि होते हैं 75 डॉलर। आप काउंटर से भी ले सकते हो, 75 डॉलर का ऑलमोस्ट टिकट है, बस यहाँ से जाना है ट्रेन की तरफ। टिकट लेने के बाद आपको जो है स्टाफ असिस्टेंट्स की ये लाइन में ठहरना है, और आपको आपका ID या पासपोर्ट बता के यहाँ से अंदर जाना है। यहाँ पे फर्स्ट प्रीमियम एंड बिजनेस क्लास है, क्योंकि पब्लिक कम है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, लेकिन इसकी टिकट थोड़ी महंगी होती है। हम जा रहे हैं नॉर्मल इकोनॉमी वाले में। तो भाई अभी हम लोग अभी ये देखिए जूनियर अपना ID कार्ड दे के अंदर जा रहे हैं, और हमको अपना पासपोर्ट बता के जाना है। तो यहाँ पे ऐसा आपका पासपोर्ट चेक होगा, उसके बाद आपको इमिग्रेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि हमने टिकट ऑनलाइन ले ली थी, तो यहाँ पे इजी हो गया। अभी हम जाएंगे इमिग्रेशन की तरफ, फिर इमिग्रेशन चेंज करके हमको जो है इमिग्रेशन क्लियर करेंगे, जो कि सामने है सेम एयरपोर्ट की तरह। तो आपको जो है टिकट लेने के बाद में सेम इमिग्रेशन यहाँ पे आपको जो है सिक्योरिटी चेक करने के बाद इमिग्रेशन क्लियर करके फिर आपको ट्रेन में बिठाएंगे, ऐसा है इधर का सिस्टम। पूरा सिक्योरिटी चेक है, जैसा एयरपोर्ट पे होता है सेम उस तरीके से ही एयरपोर्ट पे आप जैसा जाते हो आपको चेक करके, यहाँ से आप हांगकांग आउट हो गए, फिर उसके बाद चाइना में इन हो गए।
तो भाई ये सिक्योरिटी के बाद हम वहाँ से चेक होके आ गए हैं। अब यहाँ से जाना है नीचे ट्रेन में बैठने के लिए। आपके यहाँ पे जो है लिफ्ट भी है, आप लिफ्ट से आराम से जा सकते हो। काफ़ी पब्लिक है क्योंकि आज संडे है, संडे की वजह से काफ़ी पब्लिक है। आज सिक्योरिटी चेक हो गया है लेकिन अभी तक इमिग्रेशन नहीं हुआ है। नीचे जाने के बाद में हांगकांग का इमिग्रेशन होगा, फिर जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ यहाँ से कौलून से मेनलैंड चाइना। यहाँ से ये ऐसी लिफ्ट है, लिफ्ट से नीचे आते हैं B1 में। ओ हांगकांग आउट होने का इधर से बता रहे हैं, कैसे बाहर आपको जाना है, हांगकांग इमिग्रेशन आउट हो, हांगकांग का इमिग्रेशन हो गया है। और ये है हांगकांग का ड्यूटी फ्री। हांगकांग से हम आउट हो चुके हैं, अभी हम मेनलैंड के जो है भाई इमिग्रेशन पे जा रहे हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे बहुत ही इजी है, अच्छा। और अभी हम हैं ड्यूटी फ्री एरिया में, जो कि हांगकांग और चाइना के मेनलैंड इमिग्रेशन के सेंटर में है। सामने जो है मुझे दिख रहा है चाइना का इमिग्रेशन, तो वहाँ से हम अंदर हो जाएंगे मेनलैंड चाइना, उसके बाद ट्रेन पकड़ के सीधा घर। हांगकांग का चाइना का इमिग्रेशन हो गया है सेम भाई, लेकिन आज पब्लिक ज़्यादा रहने से थोड़ा टाइम लग गया, वरना उतना होता नहीं है। और यहाँ पे जो है अब बस आपको जो है वेट करना है ट्रेन का, वो ट्रेन आएगी उसके बाद में आप जो है सीधा मेनलैंड चाइना, क्योंकि अब हम ऑफिशियली जो है मेनलैंड चाइना में आ चुके हैं। एक्चुअली है हांगकांग के अंदर ही, लेकिन जो है ये स्टेशन जो है अभी मेनलैंड चाइना का इमिग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी हम जो है सीधा मेनलैंड चाइना में ही है समझो। बस हमको हमारे डिस्टिनेशन पे जाना है, उसके बाद हम जो है चलिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अभी ट्रेन देखना है कि ट्रेन कितनी देर में पहुंचाती है, तो हम उसका टाइम भी नोट करेंगे और देखेंगे कैसे क्या है। तो यहाँ पे लोग पूरे अपनी अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, और यहाँ से एंट्रेंस कुछ इस तरीके से है। अभी बजे हैं 4:37 और हमारी ट्रेन है 5:12। तो हमारी ट्रेन है 5:12 पे, और जैसा टिकट बता रहा है कि हम पहुंचेंगे एग्जैक्ट 14 में। तो ये हाई स्पीड रेल जो है आपको सिर्फ हांगकांग से कौलून से जो है मेनलैंड चाइना में फूतियान या शिनजिन नॉर्थ स्टेशन पे आपको 14 में पहुँचा देगी, जो कि बहुत ही हाई स्पीड और बहुत ही तेज़ है, बहुत ही तारीफ़ काबिल है। तो ये है हाई स्पीड रेल चाइना की, हमारा बोगी नंबर है 3। ये देखिए ये है, ये जा रही है G5814 कौलून से, इंग्लिश में भी आएगा भी हांगकांग वेस्ट कौलून टू फूतियान चाइना, बोगी नंबर 3। और इसमें है 15। तो ये है चाइना की हाई स्पीड ट्रेन भाई, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बताएगा स्पीड। और हम बैठेंगे यहाँ पे, हमारा नंबर है 15D। चलिए टाइम है 10 अभी निकलने के लिए। हाँ भाई, तो ये हाई स्पीड ट्रेन में हम बैठ चुके हैं आराम से, अभी जो है टाइम हुआ है 5:03, ठीक 5:12 को ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी कौलून से, और ठीक 14 के बाद में हम पहुँचेंगे मेनलैंड चाइना में फूतियान में, जहाँ पे हम रहते हैं करीब में। 14 में भाई एक्चुअली अगर आप नॉर्मली जाते हैं तो 1 लगता है, तो 14 बहुत ही फास्ट है। तो अभी इसकी स्पीड भी हम देखेंगे कि क्या स्पीड से हम जा रहे हैं। ओके, तो अगर आप हांगकांग में हो, कौलून से आपको मेनलैंड चाइना जाना है फास्ट, या गुआंगझो जाना है, तो आप जो है यहाँ से हाई स्पीड रेल लेके हांगकांग से डायरेक्टली आप मेनलैंड चाइना में एंट्री कर सकते हैं। तो अभी ये फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, और इस
इसका जो है काफ़ी लोगों को फायदा। भाई ट्रेन स्टार्ट हो गई है अभी, ठीक एक मिनट डिले है ट्रेन, इन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था तो अभी हम पहुंचेंगे। अभी देखते हैं क्या स्पीड से जाएगी, मैं आपको बताता हूं कि हम क्या स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रेन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। ओके तो हमारे बाजू में हेलो भंगे निहाओ, हेलो हाउ आर यू इंदुदा, इंडिया द ग्रेट इंडिया, आई एम फ्रॉम द ग्रेट इंडिया, मेरा भारत महान। मैं हूँ चाइना में और हाई स्पीड ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, हांगकॉन्ग से जो है फुथियान शिनजिन जा रहा हूँ, क्योंकि 14 मिनट में हमारी ट्रेन पहुँचने वाली है। जय हिंद। ट्रेन के अंदर भाई वाईफाई सर्विस भी है यहाँ पे, क्या बात है, देखो MTR फ्री वाईफाई भी है। और ट्रेन जो है बहुत ही स्पीड से जा रही है, यहाँ पे आ रहा है मैं बताऊँगा आपको, लेकिन जो है पता ही नहीं चल रहा कि हम क्या स्पीड से जा रहे हैं। अभी यहाँ पे आपको स्पीड बताएगी कि हम क्या स्पीड से जा रहे हैं। आ जाओ भाई। तो अभी हमारी स्पीड हो गई है 197 किलोमीटर पर आवर, 198, और हम आई थिंक जाएंगे 300 तक शायद, 350, ऑलमोस्ट 197। वंडरफुल भाई, पहुंच गए पता ही नहीं चला, मस्के की तरह एकदम जो है बहुत ही। वी अराइव्ड एट फुथियान, ये देखो ऊपर बता रहा है, एंड द गैप, ऐसा पता ही नहीं चला, बहुत ही तेज मस्के की तरह एकदम जो है, बस दो चार बातें की हमने, बस उसके बाद हम पहुंच गए फुथियान। तो ये है तरक्की भाई, ये है चाइना की तरक्की का राह। तो ये है भाई ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन।